ये एक बहुत ही गजब की चुड़िया है, ये पलटी मारने वाली चुड़िया है, बैठे बैठे ये चुड़िया पलट जाती है। इसके लिए आपको एक चौकोर और कागज चाहिए 20 सेंटीमीटर जिसकी भुजा हो, और एक स्केच पेन चाहिए। सबसे पहले आप कागज़ की कर्ण मोड़ें, उसके बाद खोलें और फिर दोनों सिरों को मध्य रेखा तक ला करके मोड़ें, एक तरह का एक डायमंड शेप बन जाएगा। फिर त्रिकोण को ऊपर से नीचे तक मोड़ें, इससे एक आइसोसीस ट्राइंगल बन जाएगा, और फिर एक डायमंड मोड़ें। देखिए ये एक हीरे जैसा चित्र दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से पलट दोबारा पलटें, एक और त्रिकोण बन जाएगा। उसके बाद में फिर दोनों सिरों को मध्य रेखा तक मोड़ेंगे, फिर एक छोटा डायमंड बन जाएगा। तो बस एक ही तरीका है जिसको हमने 3 बार दोहराया है। अब यहाँ बहुत सारी परतें हैं, शायद 15-16 परतें हों। फिर इस मॉडल को आप उसकी रीढ़ की हड्डी पे मोड़ दीजिए। अब देखिए जैसी आप रखेंगे अंदर के कागज़ खुलेंगे और ये चुड़िया पलटी मार जाएगी, है ना मज़ेदार। दोबारा देखिए इसको, धीरे धीरे ये दाईं तरफ पलटी खा रही है। अब आप चित्र देखिए किस तरह से अंदर के त्रिकोण खुलते हैं, इससे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा टिप हो जाता है और ये चुड़िया पलटी खा जाती है। यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार खिलौना है। अब दरअसल ये हो रहा है, जब ये अंदर के कान इसके खुलते हैं तो उससे इसके गुरुत्व का केंद्र थोड़ा सा बदल जाता है और ये दूसरी तरफ पलटी खा जाती है। अब आप ऊपर से इसको पेंट कर दीजिए, देखने में खूबसूरत लगे आपकी चिड़िया, इसकी आंखें बनाइए, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाइए, सजाइए। और जैसे ही आप इसको टेबल पर रखेंगे, अभी देखिए इसकी पूंछ ऊपर जा रही है और ये मुंह के बल पलट जाती है। अब इस चिड़िया का एक साथी भी है और दोनों पलटी मारने का खेल खेल रहे हैं। ये देखिए